रतन टाटा जी जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक थे उनकी कहानी संघर्ष समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था वह टाटा परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाले महान व्यक्तियों में से हैं। हालांकि रतन टाटा जी एक संपन्न परिवार से थे लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचे रतन टाटा जी का शुरुआती जीवन संघर्ष में रहा उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह सिर्फ दस साल के थे उनके दादा जे आर डी टाटा जो टाटा समूह के अध्यक्ष थे ने रतन और उनके भाई की परवरिश की रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्न स्कूल से पूरी की और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऐसी रतन टाटा जी ने उन्नीस में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की वह टाटा स्टील के सॉफ्ट फ्लोर पर एक सामान्य कर्मचारी के रूप में जुड़े यहाँ उन्होंने उत्पादन के हर पहलू को नजदीकी से, से देखा और सीखा रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई क्षेत्रों में अपने पंख फैलाए जिनमें स्टील मोटर वाहन आईटी सेवाएं टेलीकॉम और रिटेल शामिल है उनके कार्यकाल में टाटा मोटर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा स्टील जैसी कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई रतन टाटा जी को सस्ती कार टाटा नैनो के निर्माण के लिए जाना जाता है उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो हालांकि नैनो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई लेकिन इसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने देशवासियों के लिए बेहतर जीवन के बारे में सोच सकता है इसके अलावा उनके नेतृत्व में टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार ब्रांड्स को खरीदा जिससे टाटा समूह वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया रतन टाटा जी का व्यक्तिगत जीवन बेहद सादगी भरा रहा है वह अविवाहित रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन समाज और उद्योग को समर्पित कर दिया था वह हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में विश्वास रखते थे उन्होंने कई सामाजिक योजनाओं का भी नेतृत्व तो किया जिनमें स्वास्थ्य शिक्षा और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया 2012 में रतन टाटा जी ने टाटा समूह के चेयरमैन पद सेवा निवृत्ति ली लेकिन उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा वह टाटा ट्रस्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे इसके अलावा वह स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिससे नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है नौ अक्टूबर 2024 को छियासी वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में रतन टाटा जी का निधन हो गया रतन टाटा जी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो अगर आपके पास दृष्टिकोण समर्पण और समाज की भलाई के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो आप सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं उनका जीवन एक प्रेरणा है और उनकी सादगी मानवता और नेतृत्व की भावना उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक बनाती है ये कहानी हमें बताती है कि एक उद्योगपति सिर्फ पैसे कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद